हेलो नमस्ते सलाम सत श्री अकाल जय जोहार। मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी स्काई न्यूज। तो चलिए आज मैं आप लोगों को हमारे बिलाईगढ़ के मास्टर खिलाड़ी जो है स्तुति उर्कुली से बिलोंग करते हैं, ये सभी वरिष्ठ खेल होता है वरिष्ठ नागरिकों के लिए, उसमें हमारे जो है बिलाईगढ़ के स्तुति उर्कुली कारी पाठ के मास्टर खिलाड़ियों ने वाराणसी में अपना दम दिखाए हैं और वहां से मेडल और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करके आए हैं। तो चलिए जानते हैं। सर्वप्रथम मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये हमारे ही बीच के मास्टर्स हैं, हम सबसे पहले उनको बहुत बहुत तहे दिल से जो है बधाई देना चाहेंगे और हमारे बिलाईगढ़ बलौदा बाजार जिला के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नाम जो है गौरवान्वित करने के लिए आगे आते रहते हैं। ऐसे हमारे वरिष्ठ खेल के खिलाड़ी और मास्टर्स हैं जो कि अपने इन एज में भी अपना दमखम दिखा रहे हैं और खेल को आगे बढ़ाने में तत्पर। हम खिलाड़ीगण और खिलाड़ी प्रशिक्षक सबको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। नेशनल लेवल पे जो खेल स्पर्धा हुए उसमें नाम रोशन किए हैं उनके बारे में मैं बता दूं। थर्ड नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2021 डॉक्टर संपूर्णानंद स्टेडियम जो है सिंगड़ा वाराणसी में 27 नवंबर से 30 नवंबर 2021 तक हुआ और इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। इस प्रतियोगिता में पंजाब हरियाणा तथा मणिपुर के खिलाड़ियों ने अपना दमखम और अपना दबदबा बना के रखा। छत्तीसगढ़ के लगभग 50 मास्टर्स खिलाड़ियों ने भाग लिया जिसमें बिलाईगढ़ ब्लॉक के 10 मास्टर्स खिलाड़ियों ने भाग लिया। श्री राकेश यादव, प्रहलाद कैवर्त, दिनेश कुमार साहू, शिव प्रसाद जायसवाल, मुरारी लाल आदित्य, उत्तम लाल देवांगन, अशोक कुमार साहू, झाड़ू राम बारले, जानकी साहू, राजेश्वरी कैवर्त आदि खिलाड़ियों ने भाग लिया और ग्राम सुति उर्कुली से दिनेश कुमार साहू का लंबी कूद में सिल्वर मेडल तथा थ्री कूद में सिल्वर मेडल प्राप्त कर जिला बिलाईगढ़ ब्लॉक व अपने गांव का नाम रोशन किया। हमारे मास्टर्स एथलेटिक जो है एसोसिएशन बलौदा बाजार के संघ की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी और सभी का जो है बधाई दिए और हम सभी शिक्षक प्रशिक्षक जो हुए हैं सभी न्यू PTIगण सभी ने सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त किया और हम यही आशा करते हैं कि आप लोग यूं ही खेल को आगे बढ़ाते रहें और स्वयं भी आगे बढ़ते रहें। तो चलिए इन्हीं के साथ मैं विदा लेता हूं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।